लेखा शास्त्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आपको लेखा शास्त्र में बेटा मैंने पिछले वाले उसमें अंतरराष्ट्रीय लेखांकन क्रमांक है तो अंतरराष्ट्रीय क्रमांक लेखांकन कब शुरू हुआ? 20 जून 1973 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या हुआ? व्यापार में उन्नति और प्रमाणीकरण हुआ। उसके बाद पढ़ाया था बेटा मैंने उसकी कई मान्यताएं थी, 3 मान्यताएं थी है ना, अंतर्राष्ट्रीय विधि रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट प्रमाप के लाभ और उसकी वित्तीय रिपोर्टिंग। उसके बाद में बेटा पढ़ा था आपने लेखांकन यांत्रिकी, आज पढ़ोगे बेटा आप दोहरा लेखा प्रणाली। तो दोहरा लेखा प्रणाली का छोटा सा इतिहास है बेटा, दोहरा लेखा प्रणाली आज आप ये पढ़ेंगे। तो उसका इटली के निवासी लुक्स पैसिओली मतलब इसके जनक है बेटा, इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने इटली के वेनिस नगर में विषय पर प्रथम ग्रंथ सन 1494 में लिखा, जो प्रथम ग्रंथ लिखा ये क्या है इसके लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के क्या है बेटा जनक माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। और इन्होंने इस विषय पर प्रथम ग्रंथ सन 1494 में प्रकाशित कराया और इसके प्रकाशन के पूर्व उन्होंने लेखा प्रणाली के सिद्धांत बिखरे हुए थे उसको एक साथ लाने के लिए समुचित विश्लेषण का भी मतलब क्या किया, श्रेय किसको जाता है? पैसिओली को जाता है। पैसिओली ने उन्होंने ग्रंथ में पैसिओली का जो ग्रंथ जो पैसिओली है उन्होंने पैसिओली ने इस सिद्धांत को मामूली फेरबदल के साथ मतलब जो थोड़ा सा बदलाव किया और यह आज भी ये सिद्धांत इस पर मतलब लेखा शास्त्र में ये सिद्धांत क्या है प्रचलित है। और वस्तुतः यह गणित का ग्रंथ था, मतलब एक प्रकार से कहा जाए वस्तुतः यह गणित का एक ग्रंथ था। एक भाग में तात्कालिक पुस्तकालय मतलब पुस्तक पालन का एक विधि जो पुस्तक पालन की विधि है में किया गया है। इस ग्रंथ के प्रकाशन में दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत कैसे थे बिखरे हुए थे मतलब अलग अलग थे, इस सिद्धांत में एक जगह मतलब उनको इस सिद्धांत के द्वारा इसे क्या किया सिद्धांत की सिद्धांतों को एक जगह लाने ले जाने तथा मतलब जो पैसे वाली है उन्हें सिद्धांत में मामूली फेरबदल करने के बाद भी आज भी ये इसके लिए प्रचलित है। और ये एक गणित का क्या था बेटा ग्रंथ था और इसे तात्कालिक पुस्तक पालन और विधि का भी वर्णन किया गया है। और इसके प्रकाशन में लोग मतलब दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत कैसा था बिखरा हुआ था और इसको इसके इस प्रणाली के नाम मतलब इसको क्या कहते हैं इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। समुचित विश्लेषण का श्रेय पैसिओली का है मतलब जो उन्होंने लेखा शास्त्र के लिए किया तो जो समुचित विश्लेषण है जो विश्लेषण है किसने किया था सेमिओली ने किया। सेमिओली कौन है लेखा शास्त्र के जनक दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ मेमो रैंडम बुक जनरल ऑफ खाता बही का प्रयोग कर दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से स्पष्ट है मतलब जो उनका ग्रंथ है मेमो रैंडम बुक जनरल जो कैसे के नाम से फेमस है वही खाता के नाम से मतलब ये वो मतलब प्रयोग में लेखा प्रणाली के नाम से स्पष्ट है। प्रत्येक के मतलब उसके प्रत्येक दो पहलू होते हैं और प्रत्येक व्यवहार स्थान को भी ये प्रभावित करता है मतलब इस लेखा प्रणाली के मतलब दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से ही स्पष्ट होता है बेटा इसके दो पहलू होते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली नाम से मतलब दोहरा मतलब दो जब दो व्यक्ति होंगे या दो तो ये प्रत्येक स्थान प्रत्येक स्थान के दो पक्ष को प्रभावित होते हैं। इस प्रणाली का नाम इसलिए क्या है दोहरा लेखा प्रणाली है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप हम नगद माल खरीदते हैं मतलब हमने नगद माल खरीदा और इन व्यवहारों को दो खातों में मतलब दो खातों प्रणाली का
प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं, ना? कोई भी अपन लेन देन करेंगे तो एक लेने वाला और एक देने वाला, तो प्रत्येक पक्ष के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं। व्यवसाय में दो स्थानों को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। और लेन देन के दो पक्ष मतलब लेंदा और देना, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। इन दोनों पहलुओं का लेखा मतलब इन दोनों का लेखा कैसा होता है, भिन्न भिन्न खातों में करना होता है। मतलब इन दोनों खातों का लेखा जो है वो भिन्न भिन्न खातों में क्या करना पड़ता है, करना होता है। दूसरे सरल शब्दों में से कहेंगे कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष प्रभावित होते हैं। मतलब प्रत्येक व्यवहार में दो पक्ष होते हैं जो प्रभावित होते हैं, इसलिए इस प्रणाली का नाम क्या हुआ, क्या कहेंगे बेटा, इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहेंगे। तो क्योंकि इसमें दो पक्ष क्या हुए, प्रभावित हुए, इसलिए इसे दोहरा लेखा प्रणाली कहेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए बेटा, जब हम नगद माल खरीदते हैं तो इस व्यवहार को दोनों खातों में, इसका मतलब उसका व्यवहार दो खातों में पड़ा, माल आया और दूसरा गया, तो इसको बेटा अपन एक चार्ट के द्वारा भी प्रस्तुत कर सकते हैं। तो माल खाता, रोकड़ खाता प्रभावित हुए, इसे हम क्या करेंगे, एक चार्ट के द्वारा हम क्या करेंगे, दोहरा प्रभाव को अपन जो होता है इसे चार्ट द्वारा भी क्या कर सकते हैं बेटा, दर्शा सकते हैं। तो दोहरा प्रभाव क्या है, तो माल आया, तो अपन ने उसको माल आया मतलब माल जो आया वो क्या है, स्टॉक में अपन ने लिया, माल लिया। और रोकड़ गई मतलब दिया, तो रोकड़ में कमी हो। ऐसे बेटा इसकी परिभाषा दी है जे एम जे किलर ने अनुसार एक परिभाषा है, एक उपकरण लेखांकन की सबसे अधिक सामान्य प्रणाली दोहरा लेखा प्रणाली है। मतलब जेम्स ने कि एक उपकरण मतलब कोई भी उपकरण से मतलब एक व्यवसाय से हो गया, लेखांकन की सबसे अधिक सामान्य प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली है। ये नाम से ही स्पष्ट है कि एक विकल्प और दूसरा, मतलब ये नाम से क्या है, स्पष्ट है कि प्रत्येक सौदे के लिए की गई प्रवृत्ति दो भागों में होती है, एक विकलन और दूसरा समाकलन। तो ये हो गई आपकी एक परिभाषा जे एस किलर के अनुसार। फिर बेटा एक परिभाषा और है, अतः दोहरा लेखा प्रणाली से तात्पर्य लेखांकन की उस प्रणाली से होता है, मतलब जो लेखांकन की प्रणाली होती है वो कैसी होती है, प्रत्येक सौदे के दो पक्ष को लिखा जाता है। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली में तो जो एस क्लर की जो एम जे क्लर की परिभाषा थी उसके में लिखा था बेटा, उसके अनुसार प्रत्येक सौदे के मतलब लिए एक प्रवृत्ति दो भागों में होती है, एक होता है विकलन और दूसरा होता है समाकलन। तो आप दो पक्षों के बीच हो गया बेटा ये। फिर उसके बाद है बेटा, अतः दोहरा लेखा प्रणाली की और परिभाषा दी जाएगी बेटा, जिसमें एक पक्ष का नाम होता है डेबिट और दूसरा पक्ष का नाम होता है क्रेडिट। दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन की उस प्रणाली से है, मतलब आशय उस प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक सौदे के दो पक्षों के बीच में लेखा किया जाता है, जिसे एक पक्ष को क्या कहते हैं बेटा, डेबिट कहते हैं और दूसरे पक्ष को क्या कहते हैं, क्रेडिट, ताकि लेखांकन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मतलब जो लेखांकन के उद्देश्य होते हैं, जो लेखांकन बनता है उनके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो जब डेबिट क्रेडिट दो पक्षों के बीच आप खाता बनाएंगे तो लेखांकन के उद्देश्य। फिर होते हैं बेटा दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। तो दोहरा लेखा प्रणाली की बेटा दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं बेटा, ये पहला है दो पक्षों का लेखा, मतलब दो पक्षों के बीच क्या होता है, लेखा होता है। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे के दो पक्ष होते हैं
और दोनों पक्षों में क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। इसमें इस प्रणाली में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के बीच लेखा होता है। पहले एक विशेषता हो गई बेटा दोहरा लेखा प्रणाली की, दो पक्षों के बीच लेखा। फिर दूसरा होता है न्याय संगत प्रणाली। ये प्रणाली कैसी है, न्याय संगत है। दोनों पक्षों के लेखे में कोई दूसरा पक्ष लेखा नहीं छूटता और यह लेखा दृष्टि से कैसे हैं, न्याय संगत होते हैं। मतलब दोनों पक्ष होते हैं जो, उनके लेखा होने में कोई दूसरा पक्ष लिखने से नहीं छूटता। फिर है बेटा, और ये न्यायालय की दृष्टि से कैसा है, न्यायालय की दृष्टि से कैसा है, ये न्याय संगत है। कैसा है, न्याय संगत है। फिर है उसके बाद है बेटा पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली। ये एक जो दोहरा लेखा प्रणाली है इसकी विशेषता है, तीसरी है बेटा पूर्ण लेखा प्रणाली। ये सौदा लेखांकन बेटा। फिर इसके बाद हो गया चौथा है बेटा निश्चित उद्देश्यों का होना। अगर आप कोई लेखा बना रहे हैं, इस प्रणाली लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यापारिक परिणामों को प्राप्त करना। मतलब निश्चित उद्देश्यों के लिए क्या है, व्यापारिक परिणाम। इसमें व्यापारिक परिणाम प्राप्त होना, निश्चित उद्देश्य का होना। तो आप कोई भी सौदा, कोई भी व्यवसाय शुरू करेंगे, लेखांकन बनाएंगे, तो उसमें आप निश्चय, मतलब आपका उद्देश्य प्राप्त करने का में सामर्थ्य होना चाहिए और व्यापारिक परिणाम प्राप्त करने का मुख्य उद्देश्य होता है। फिर पांचवा होता है बेटा वैज्ञानिक मान्यताएं प्राप्त करना। मतलब दोहरा लेखा प्रणाली एक पूर्ण कैसी है, पूर्ण वैज्ञानिक है, प्राप्त करना है जिसे कानून द्वारा मान्य किया गया है। ये जो है दोहरा लेखा प्रणाली है वह कैसी है, पूर्णता कैसी है, वैधानिक है। कैसी है, वैधानिक। और इसे क्या, इसलिए इस प्रणाली को वैधानिक प्रणाली, मतलब वैधानिकता प्राप्त है और ये कानून द्वारा कैसी है, इसे मान्य किया गया है। तो दोहरा लेखा प्रणाली है। इसे वैधानिक मान्यता क्या है, प्राप्त है। क्या है, खातों का वर्गीकरण। तो इस प्रणाली के अनुसार खातों का वर्गीकरण व्यक्तिगत, वस्तुगत और संपत्ति तथा लाभ हानि खातों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तब जो खातों का वर्गीकरण होता है वो कैसा होता है, व्यक्तिगत होता है। खातों का वर्गीकरण कैसा होता है, व्यक्तिगत। खातों का वर्गीकरण है कैसा है, व्यक्तिगत, वस्तुगत और संपत्ति लाभ हानि इसके अंतर्गत आएगा बेटा, लाभ हानि। संपत्ति खाता, ये सब खातों के वर्गीकरण है जो इसकी
मतलब आय व्यय में वर्गीकृत किए गए लेखे किए जाते हैं। सातवां है बेटा, खातों की गणती संबंधी शुद्धता की जांच संभव है। मतलब इस प्रणाली में गणित संबंधी जांच सूची बनाकर की जाती है, जो लेखा कर्म का एक आवश्यक कार्य है। मतलब जो जो खाते हैं, जो लेखा खाते हैं, खातों का गणितीय जांच संबंधी शुद्धता की जांच, तो उसको कैसे करेंगे बेटा अपन, उनको अपन लेखा कर्म में एक आवश्यक कार्य, मतलब ये जो है वो लेखा कर्म में आवश्यक कार्य है बेटा। तो इस प्रकार से बेटा ये दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं। कितनी विशेषताएं हैं बेटा? ये सात विशेषताएं। आप दोहरा लेखा प्रणाली का आपने संक्षिप्त परिचय पढ़ा। इसके जनक कौन थे? लुक्स बैसिओली थे। इसके जनक है बेटा, और इसका प्रतिपादन कब हुआ, जन्म कब हुआ, 1494 में हुआ। फिर आपने इसका आशय पढ़ा बेटा कि दोहरा लेखा प्रणाली का आशय क्या है, इसके प्रभाव क्या है, इसकी कुछ परिभाषाएं देखी बेटा आज आपने। फिर है दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषता। ये प्रश्न बेटा आपको पीछे बुक में है, इसको आप याद करोगे कि दोहरा लेखा प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं। तो कितनी विशेषताएं हैं बेटा? सात विशेषताएं हैं। धन्यवाद।